हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं सेवन चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कौन सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है इसमें। इसमें बेटा डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो देखते हैं क्या है। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। हमारे पास ये एक, आपके पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ओके। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है, ओके बेटा। तो यहाँ पे हम एक लाइन ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये ए पॉइंट ले लेते हैं और ये बी पॉइंट ले लेते हैं, क्लियर है। यहाँ पे बेटा ए के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, ओके बेटा। यहाँ पे ए के अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, जैसे थ्री है, माइनस टू है, ठीक है। और बी के हमारे पास यहाँ पे थ्री और फोर है, ये कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एक्स एक्सिस का पॉइंट, सेकंड वाई एक्सिस का, अगेन यहाँ पे एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस के लिए हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसी के कोऑर्डिनेट हम लेंगे एक्स वन, वाई वन, और ये आएगा एक्स टू और वाई टू, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू, सॉरी वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है एक्स टू और वाई टू, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास थ्री माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या है आपके पास थ्री, तो ये आ जाएगा प्लस वाई टू आपके पास है फोर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, क्योंकि माइनस तो आपका फॉर्मूले वाला माइनस इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये टू, क्लियर है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया, यहाँ पे क्या फोर और टू कितना आ गया सिक्स, सिक्स का होल स्क्वायर क्या होता है सिक्स, सिक्स सा थर्टी सिक्स, ठीक है, ये आ गया, क्योंकि सिक्स का स्क्वायर किया मतलब टू टाइम आपने मल्टीप्लाई किया सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स। तो बेटा यहाँ पे सिक्स का स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, सिक्स यूनिट जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला इस तरह से लगेगा। चलिए हम अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, साथ में जो भी कंसेप्ट बीच में यूज़ होएगा वो क्वेश्चन के साथ साथ हम बेटा इसका देख लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1। तो बेटा आप क्वेश्चन बुक से देखोगे, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में है, डिस्टेंस ही आपको फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है टू थ्री, फर्स्ट के कोऑर्डिनेट, सेकंड के हैं फोर वन, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसमें हमारे पास माइनस फाइव और सेवन, माइनस वन और थ्री, एंड थर्ड पार्ट है आपके पास ए बी और माइनस ए एंड माइनस बी, ये दे दिया आपको, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे सिंपल, ठीक है। चलिए यहाँ आप लेट कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, लेट कर लेंगे, ये ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, एंड दूसरा पॉइंट जो है वो बी है आपके पास, ठीक है। इसके पास अगर डिस्टेंस फार्मूला हम लगाते हैं तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा आपने वैल्यू डालेंगे, ये आपके पास एक्स वन वाई वन है, एक्स टू वाई टू है, तो फोर माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे टू बचा, टू टू ज़ा फोर, और यहाँ पे माइनस टू बचा, माइनस टू का स्क्वायर भी फोर, तो ये हो गया आपके पास एट। एट के फैक्टर क्या आते हैं, टू टू ज़ा फोर, टू ज़ा एट, तो हमारा क्या हो जाएगा, टू कॉमन आ जाएगा और टू अंदर रहेगा, ठीक है, ये यूनिट्स, ये आंसर आ गया आपके पास, ओके बेटा। चलिए अब आप करेंगे सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हम लेट कर लेते हैं, ए हमारे पास ये पॉइंट है एंड बी हमारे पास सेकंड वाला पॉइंट है, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, हमारे पास एक्स टू वाई टू है और ये एक्स वन वाई वन है, ठीक है।
माइनस वन माइनस फाइव और माइनस ऑलरेडी लगा है तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस थ्री माइनस सेवन का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ फाइव में से वन गया फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, यहाँ प्लस माइनस 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 फोर का सिक्सटीन, तो यहाँ पे भी आ गया आपके पास थर्टी टू। थर्टी टू के फैक्टर कितने आते हैं, फाइव टाइम टू आता है, ठीक है। अगर फाइव टाइम टू आता है आपके पास तो टू का पेयर टू का पेयर, टू टू जा फोर बाहर टू अंदर, ठीक है। इस तरह से आपने ये रब वर्क करना है अपना, ओके। चलिए तो ये भी यूनिट्स में आंसर आ जाता है, डिस्टेंस हमेशा किस में आएगा, यूनिट्स में, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका, इसको भी लेट कर लो, ए पॉइंट है ये और दूसरा है आपके पास बी पॉइंट। ए बी का डिस्टेंस, ये वेरिएबल है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है बेटा, यहाँ पे सिंपल आपने x2 माइनस x1, ठीक है, ये लिया और माइनस ये किया, स्क्वायर किया, प्लस माइनस बी का स्क्वायर। तो बेटा अंदर पहले इसको बना लो, माइनस माइनस प्लस, है ना, तो साइन माइनस का आएगा, 2a का स्क्वायर, ऐसे माइनस टू बी का स्क्वायर ये आ गया, ओके। तो बेटा यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। 4 इसका इसका कॉमन आ गया आपके पास, ओके। अब 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 टू जा 4 तो एक 2 बाहर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए ये यूनिट्स में आंसर आपका, ओके। अब आप करेंगे इसका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए तो बेटा वीडियो जिसको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा ये, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बोला गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। आपके पास ये सेक्शन दी गई है 7.2 बुक में ही यहाँ पीछे, ठीक है। तो आपको बोला गया इन दो पॉइंट में, दो पॉइंट जो हैं ये दो टाउन का डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे इनका, सिंपल आपको डिस्टेंस निकालना और कुछ नहीं करना आपने इस क्वेश्चन में, आपने क्या करना है लेट करना है, टाउन ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0, 0 हैं एंड टाउन बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 36 एंड 15, ये दिया गया है बस, ठीक है। बस आप इन पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए और बी आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया x1 y1, ये आ गया x2 y2, 36 माइनस 0 का स्क्वायर, एंड बेटा प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 36 को आप क्या करेंगे, डबल टाइम मल्टीप्लाई करके देख लो, 36 मल्टीप्लाई 36, 66 जा 36, 6 3 18 और 3 21, 3 6 18, 3 3 9, 9 और 1 10, तो ये आ गया 6 9 2 1, तो ये आ गया 12 9 6 प्लस 2 2 5, ठीक है। और यहाँ पे प्लस करेंगे कितना आया, 1 11 और 1 12 और ये 15। तो बेटा अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिंपल प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो 3 से हो रहा है ये, 3 5 15, 0 आएगा क्योंकि दो डिजिट इकट्ठे ले रहे हैं ना आप, इसलिए 3 7, फिर से 3 से करेंगे 3 1 3, 3 6 18, 3 9, फिर आप देख रहे हैं 13 का स्क्वायर है ना, याद रखना होता है, ठीक है। ये आ गया आपके पास, अब बेटा 13 और 3 और ये आ गया, तो कितना आया आपके पास 39 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट 39। अब ये टू टाउन का डिस्टेंस है तो ये किस में आएगा, किलोमीटर में, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन थर्ड में आपको बोला गया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है बेटा? वो पॉइंट जो एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट लिखेंगे, लेट करेंगे, ए पॉइंट है हमारे पास 1 5 एंड बी पॉइंट है हमारे पास 2 3 एंड सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 एंड -11, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। चलिए अब हमने क्या करना है, सिंपल ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे आप, ठीक है। तो क्या होता है, ये अगर 2 ले रहे हैं x1 by 1, x2 by 2, 2 - 1 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं, -2 का स्क्वायर बेटा 2 2 = 4, तो ये आ गया आपके पास √5। ऐसे आपने लेना है BC, ठीक है। अब ये B और C का डिस्टेंस लेंगे। तो बेटा फर्स्ट ये x1 by 1, x2 by 2, तो -2 - 2 अगेन, ओके, प्लस -11 - 3 का स्क्वायर। तो बेटा 2 2 क्या हो गया 4, -4 4 4 = 16 एंड प्लस ये कितना हो गया बेटा -14, 14 14 = कितना हो गया 196। प्लस कर लो इसको 9 और 1 10, 10 और 1 11, 2, तो ये आ गया 212। अब बी सी सी ए, सी ए निकालो अब आप, ये सी और ए, इसको ले लो x1 x2 y1 x2 y2, ठीक है। तो -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा -3 हुआ, 3 3 = 9, -16 हुआ, 16 16 = 256, प्लस किया आपने 2 यहाँ पे 5 और ये 6, 265 आ गया, ठीक है। आप देख रहे हैं ये क्या होगा, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ठीक है। अब आप देख लेंगे इसमें रूल ये लगता है बेटा, हमारे पास आना चाहिए ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू आना चाहिए हमारे पास ए बी प्लस बी सी, सॉरी बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, जैसे ये ए है, ये पॉइंट है, ठीक है, बीच में आया बी और ये आया सी, और ए बी और बी सी होना चाहिए ए सी के इक्वल, ठीक है। अगर हम बेटा इसके फैक्टर्स भी लेते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं 2 1 2, 2 से किया 1 0 और ये 6 आ गया, फिर अगेन 2 से किया 5 और 3, तो 2 कॉमन आ गया, 53 आया अंदर आपके पास, 2 कॉमन आ गया, 53 आया अंदर, ठीक है। तो यहाँ से 265 है, इसके फैक्टर्स अगर हम लेंगे 5 से अगर आप डिवाइड करते हैं इसको, 5 5 = 25, 5 3 = तो ये आ रहा है कुछ 5 × 53, तो क्या इसका कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, ओके बेटा। तो ये हमारे पास 5 आ रहा है, 253 आ रहा है ये। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, √5 + 2√53, क्या ये हमारे पास इक्वल है इसके 5 × 53 के इक्वल है ये, क्योंकि ये 2√53 है, ये अंदर है 5, तो ये नॉट इक्वल है, क्या है ये, नॉट इक्वल, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये सिचुएशन आती है, ये दो मतलब ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस नॉट इक्वल हो रहा है इसी के, तो इट मीन्स हैंस दीज पॉइंट्स आर नॉट इन अ कोलिनियर फॉर्म, ठीक है, ये कोलिनियर फॉर्म में नहीं है आपके पास। अब ये भी आपने चेक कर लिया, फिर अगर हमारे पास ऐसे भी चेक कर लें हम ए बी और ए सी है, ठीक है, फिर अगर हमारे पास ए बी प्लस ए सी करें और बी सी के इक्वल आता है ये √5 है प्लस 5 × 553 = 2√53, ये तब भी इक्वल नहीं आएगा आपके पास,
क्योंकि ये रूट फाइव है बेटा। अगर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होता तो हमारे पास फाइव बाहर आना था, 53 अंदर रहना था, बट ये मल्टीप्लाई नहीं, ये प्लस हो रहा है, ये प्लस नहीं हो सकते, तो ये तब भी नॉट इक्वल है। ठीक है, इन केस हमारे पास ए बी बी सी ए सी आया आपके पास, अभी हमारे पास यहाँ पे ए सी प्लस बी सी और ए बी, तो ये भी नॉट इक्वल ही होगा, तो हेंस हमारे पास क्या है, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, हो गया ये। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको चेक करना है ये जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तीन पॉइंट के वर्टिसेस दिए गए हैं, चेक वेदर दीज आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल, क्या ये वर्टिसेस आइसोसेलिस ट्राइंगल के हैं। बेटा आइसोसेलिस की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर हमें टू साइड के डिस्टेंस इक्वल मिल रहे हैं तो यस इट इज़ अ वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, डिस्टेंस। ओके, तो हम लेट कर रहे हैं हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट हैं 5-2 एंड बी के हैं 6-4 एंड सी के हैं हमारे पास 7-2। ठीक है, तो हम रफ फिगर बना लेते हैं कि यहाँ पे ये ले लिया ए, ये बी एंड सी, ए के पॉइंट हैं 5-2 एंड बी के हैं 6-4, सी के हैं 7-2। तो अगेन हम डिस्टेंस फॉर्मूले से ही यहाँ पे चेक करेंगे, तो ए बी हमारे पास है, डिस्टेंस फॉर्मूला लेंगे ए बी का। ठीक है, वही लेना आपने x1 x2 और y x2 x1 y1 x2 y2, तो 6 में से माइनस करेंगे 5 प्लस 4 में से माइनस किया 2, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 6 6 36, तो ये आ गया हमारे पास 37। अब ऐसे बी सी लेंगे आप, तो ये दो पॉइंट हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट लेस करेंगे, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 6 6 36, तो ये आ गया आपके पास 37। अब आप ए सी लेंगे तो हमारे पास ये टू पॉइंट है, इसमें से ये वाला लेस करेंगे। ठीक है, 7-5 का स्क्वायर प्लस -2 +2 का स्क्वायर, यही हुआ ना, देखो 7-5 -2 -, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 2 2 = 4 और ये 0, तो ये आ गया 2, तो मतलब टू लाइंस इक्वल आ गई। तो आप लिखेंगे हैंस हमारे पास पहले आप बताएंगे ए बी क्या आया हमारे पास, डिस्टेंस ए बी इक्वल है बी सी के, तो यस इट इज एन आइसो सेलेस ट्राइंगल, जो इट इज़ अ वर्टिसेस ऑफ आइसो सेलेस ट्राइंगल। क्लियर है बेटा। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन 5 में बेटा एक एक्टिविटी है आपको दी हुई। ठीक है, फिगर दी है 7.8। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स सीटेड ए बी सी डी चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, चंपा करेक्ट है कि चमेली। ठीक है, चलिए अब हम पहले चेक करते हैं, तो हमें किसने बोला, चंपा आस चमेली, चंपा ने बोला क्या ये स्क्वायर है, चमेली ने बोला वो डिसएग्री थी कि नहीं, तो फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूले से चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास फिगर दी गई है बेटा, ठीक है ये वाली, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है हम ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं, लेट नहीं सॉरी गिवन है आपको दिए हुए, तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे, तो वो आ रहा है 3 और 4,
ए के कोऑर्डिनेट है 3 और 4, बी के आ रहे हैं बेटा यहाँ पे 6 और 7, और सी के आ रहे हैं आपके पास 9 और 4, एंड डी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट आपने खुद लेने हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लेन बना के दिया है 6 और 1। ओके बेटा, चलिए आप चेक करेंगे आप, तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 3 = 9, 3 बचा यहाँ पे, 3 3 = 9, तो कितना हुआ ये 18। तो बेटा 18 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 3 × 2, तो 3 कॉमन आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब बी ए निकालो, सॉरी ए बी बी सी, तो बी और सी ये 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, तो कितना हुआ ये अगेन 3, और यहाँ पे भी -3, 3 3 = 9, 3 3 = 9, तो क्या बन गया ये अगेन 18। तो 18 को कैसे लिखेंगे आप, 3√2। अब ए बी बी सी सी ए सी डी, सॉरी 4 पॉइंट है आपके पास सी डी, ये फिगर आप ऐसे बना लेंगे एक फिगर, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये आ गया। सी डी में आप लेंगे वो सी है, ये डी है, 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, अगेन -3 और -3, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 18 और 3√2, ठीक है। अब आएगा डी ए, डी ए ले लीजिए ये वाला डी और ए, तो बेटा डी ए है तो 3 - 6, 3 - 6 करो चाहे 6 - 3 करो, चाहे ये वाले पॉइंट ले लो पहले x1 y1 x2 y2, चाहे ये ले लो x1 y1 x2 y2, ठीक है, आंसर सेम आएगा बेटा, 3 - 6 हुआ हमारे पास, और प्लस यहाँ पे 4 4 - 1, ठीक है। अगर जिसके ले रहे हैं तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट पहले ही आएंगे, ये भी याद रखना है, 3 3 = 9 एंड 3 3 = 9, तो 18 आ गया, अगेन आ गया 3√2, 4 की 4 साइड्स इक्वल आ रही हैं तो स्क्वायर है, बट बेटा यहाँ पे आपने डायगनल भी चेक करने होते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि हमारे पास एक रोम्बस भी है जिसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल हैं, इसलिए हमने क्या करने हैं, इसके डायगनल भी चेक करने हैं। ओके बेटा, चलिए अब आप करेंगे एसी, एसी का डिस्टेंस ले लो ये ए और सी, तो 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, ये आ गया 6, ये हो गया 0, तो 6 6 = 36, 6 बाहर आ गया आपका। अब बी डी आप लेंगे, बी ओ डी, बी ओ डी, तो आ गया 6 - 6 प्लस 1 - 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 0 और ये बन गया 6 - 6, 6 6 = 36, तो आ गया 6, डायगनल भी इक्वल, इट मीन्स येस इट इज़ अ स्क्वायर। तो कौन करेक्ट है यहाँ पे, चंपा की चमेली, चंपा इज अ करेक्ट, आप लिखेंगे ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, पहले आप ये भी बता देंगे ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए इक्वल सी डी, एंड डायगनल्स, डायगनल्स भी ए सी इक्वल है बी डी के, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो आप लिखेंगे हैंस चंपा इज करेक्ट, ठीक है, क्लियर है बेटा। क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट हुआ, अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको यही बताना है कि नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, अगर इन पॉइंट्स से कोई कोऑर्डिनेटर बन रहा है
किसी टाइप का क्वाड्रिलेटर बन रहा है वो आप बताएंगे, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपको रीज़न भी देने हैं, ठीक है। तो कर रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट। तो लेट कर लेंगे, ए पॉइंट है हमारे पास -1 -2, एंड बी पॉइंट है आपके पास 1 और 0, सी पॉइंट है आपके पास -2 1 और 2, एंड डी पॉइंट है आपके पास -3 और 0, ठीक है बेटा। तो हमें क्वाड्रिलेटर चेक करना है, हम रफ फिगर अपने पास बना लेंगे इसकी। तो ये ले लिया ए बी सी एंड डी, ओके। चलिए अब हम अगेन इसमें डिस्टेंस ही चेक करेंगे ए बी का। तो ये है 1 -1 +1 हो गया, +0 -1 2, तो क्या हो गया +2 हो गया, 2 2 = 4 एंड 2 2 = 4, ये कितना हो गया 8। बेटा 8 के फैक्टर होते हैं ये, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। बी सी आपको लेना है ये वाला, अब -1 अगेन -1, ठीक है, 2 -0। तो बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, -2 और 2, अगेन यहाँ पे भी क्या आ गया 4 + 4, ये हो गया 8, क्या लिखेंगे 2√2। बी सी सी ए करेंगे अभी आप, सी ए में है हमारे पास, सॉरी सी डी, क्या आएगा सी डी, तो ये आ जाएगा -3 + 1 0 - 2 का स्क्वायर। तो बेटा -2 आ गया यहाँ पे, 2 2 = 4 4 8 एंड 2√2। अब आएगा आपके पास डी ए, तो ये आपका ए और डी, डी ए तो -1 + 3 का स्क्वायर -2 + 0 का स्क्वायर, सॉरी -0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा, 2 2 = 4, अगेन -2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया आपके पास 8, 2√2, चारों साइड सेम आई हमारे पास। अभी आपको क्या करना है, इसके डायगनल भी चेक करने हैं, ठीक है। एसी आ जाएगा हमारे पास ए एंड सी, तो -1 + 1 का स्क्वायर + -2 - 2 का स्क्वायर, तो बेटा ये तो 0 हो गया और ये 2 2 = 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4, कैसे 2 2 2 2 2 तो 2 बाहर आ गया, ठीक है। बी डी आपके पास, बेटा बी एंड डी, तो इनमें से करो 1 + 3 का स्क्वायर + 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ गया बेटा हमारे पास 1। बी और डी निकालना है ना आपको, यहाँ पे हमारे पास बी डी आ रहा है ये वाला, और ये चेक कर लो हमारे पास बी और डी, -1 1 - + 0 - 0, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 4 का स्क्वायर हुआ ना ये, तो 4 4 = कितना हुआ 16, तो 4 बाहर आ गया। तो हमारे पास इसको चेक कर लो, हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों के दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, स्क्वायर आ रहा है, चेक करो उसको। हमारे पास 2, यहाँ पे हमारे पास 4, ये गलत हुआ है ना, यहाँ पे 4, तो 4 4 = यहाँ पे क्या होगा 16, तो ये 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4 4 आ गया, यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, ठीक है, क्लियर है ये। तो हमारे पास ये क्या आ गया, डायगनल भी इक्वल है, तो हमारे पास ए बी बी सी सी डी इक्वल टू डी ए, ऑल साइड्स इक्वल, एंड डायगनल चेक करो उसके, वो भी क्या है इक्वल, तो ए सी इक्वल है बी डी के, तो हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए अब आप चेक करेंगे इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन
सेकेंड पार्ट में आप ये इसका एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना रहे हैं, इस यहाँ पे चेक करेंगे इसको हम। 1, 2, 3, 4 हमारे पास पॉइंट हैं, 5 ये आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड बेटा अगेन 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। फिर है -1, -2, -3, -4, -5 -1, -2, -3 ठीक है बेटा। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है -3 एंड 5 फर्स्ट पॉइंट है -3 एंड 5 तो ये पॉइंट आ गया -3 और 5 सेकेंड पॉइंट है 3 और 1 ये 3 है और 1 1 किसका है ये, तो ये आ गया 3 एंड 1 ठीक है। ये पॉइंट आ गया आपके पास ये वाला ठीक है, ये 3 एंड 1 हो गया। फिर आपके पास है 0 और 3 0 है एक्स एक्सिस का, 3 ये, तो ये आ गया 0 एंड 3 एंड आपके पास है -1 और -4 ये आ गया -1 एंड -4 तो -1 और -4 ये हमारे पास 4 हम यहाँ ले रहे हैं तो ये पॉइंट कुछ ये आ रहा है ठीक है। -1 और -4 ये आ गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पॉइंट है हमारे पास, ये आ गया, फिर यह यहाँ मिल जाएगा ठीक है। कोऑर्डिनेट ये इस तरह से कुछ हमारे पास ये फिगर बन जाएगी। तो हमें ये बोला गया है नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड इफ़ एनी टाइप ठीक है, इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास इसका नाम मतलब कोऑर्डिनेटर तो है बट ये इसका कोई टाइप नहीं है इसका ठीक है। तो आप बेटा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसमें आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं ठीक है, जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूले लगाए हैं ओके। तो ये आप खुद करेंगे, इसको क्या करेंगे इसमें सिंपल आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, इट डज नॉट फॉर्म अ कोऑर्डिनेटर ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई फॉर्म नहीं आ रही कोऑर्डिनेटर की ओके बेटा, क्लियर है, नो कोऑर्डिनेटर आपके पास ओके। चलिए सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे, अभी हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, नो कोऑर्डिनेटर फॉर्म ये आ गया। अब आप करेंगे इसका थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट पे आपने ऐसे चेक करना है बट हमेशा आपने क्या करना होता है, डायगोनल्स भी चेक करने होते हैं ठीक है, क्लियर है। ये आप थर्ड वाला पॉइंट आप भी करेंगे ओके, इसको डू योर सेल्फ ठीक है, ये आप खुद करेंगे। अभी हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, क्लियर है ना बेटा, आपको समझ आ गया ना कैसे करना है। बस आपने क्या करना है, सभी का डिस्टेंस 4 की 4 लाइंस का डिस्टेंस फॉर्म करना है और उनके डायगोनल्स का डिस्टेंस फॉर्म करना है, फिर आप बता देंगे क्योंकि आपको पता है हमारे पास इस तरह से कोऑर्डिनेटर फॉर्म होता है ठीक है। अगर ये अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं तो अपोजिट साइड्स हमारे पास रेक्टेंगल की भी इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की भी, बट रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल आते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो आपके पास थर्ड वाली जो है वो पैरेललोग्राम आने वाला है क्योंकि उसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे ठीक है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे ओके। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। तो आप लेट कर रहे हैं पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ओके। अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होगा, एक्स का पॉइंट होगा, वाई का पॉइंट क्या होगा, 0 ठीक है। तो हमारे पास दूसरे जो पॉइंट है वो ले लेते हैं, लेट ए पॉइंट है 2 -5 एंड
बी पॉइंट है आपके पास माइनस टू और नाइन। ओके बेटा ये आ गया। और ये भी बोला गया है जो P है वो क्या है, एक्यू डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमारे पास फिगर आ जाएगी, ये P पॉइंट है विच इज़ एक्यू डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो A के पॉइंट हैं ये एंड B के हैं ये, तो P के हैं आपके पास ये। क्लियर है बेटा? चलिए अब आप क्या करेंगे, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर आप क्या करेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब पी ए का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा, ये एक्स वन वाई वन ले लो, एक्स टू वाई टू ले लो, तो टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस फाइव माइनस ज़ीरो का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे माइनस टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस नाइन माइनस ज़ीरो का स्क्वायर। तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग करने से स्केयर रूट हट जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्केयर, क्या होता है बेटा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, ठीक है। चलिए ऐसे सॉल्व करेंगे अब इसको, फोर एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स, फाइव फाइव ज़ार ट्वेंटी फाइव, इसको आप आइडेंटिटी लगा लो माइनस ए माइनस बी, तो इसके लिए आ गया माइनस ए माइनस बी। तो क्या आ जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस टू माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो चलो ये आ गया टू टू ज़ा फोर एक्स का स्क्वायर प्लस टू ये वाला, तो क्या आ जाएगा टू टू ज़ा फोर एक्स, नाइन नाइन ज़ा एट्टी वन। बेटा एक्स स्क्वायर इधर आएगा कैंसिल हो गया, फोर फोर इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस फोर एक्स ये माइनस फोर एक्स, ये आ गया एट्टी वन, ये ट्वेंटी फाइव उधर गया, तो ये आ गया माइनस एट एक्स और ये आ गया फिफ्टी सिक्स। एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स बाय माइनस एट, कटिंग किया आपने माइनस सेवन, तो हैंस करके बताएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या आया, माइनस सेवन और ज़ीरो, ठीक है। क्लियर है बेटा? चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज टेन यूनिट। बोला गया है जो y है वो कहाँ पे p और q के डिस्टेंस में है, लिखा है ना, विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q एंड इज 10 यूनिट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये नाइन नहीं एट है, तो आपको वैल्यू y की करनी है। आपके पास डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास टू माइनस थ्री एंड क्यू के हैं आपके पास टेन एंड वाई, इज दिया है टेन यूनिट्स। इन दोनों का डिस्टेंस हमें टेन यूनिट्स दिया गया है, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ वाई, ओके बेटा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस लगाएंगे, पी क्यू कितना दिया है 10 यूनिट्स, ठीक है। तो चलिए पी क्यू का डिस्टेंस लगाओ, ये फर्स्ट ले लो एक्स वन वाई वन एक्स टू, तो 10 माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस प्लस हो जाएगा ये, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा 10। अब इसको आ गया 8, 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री थ्री ज़ा नाइन प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स वाई इज इक्वल टू 10। अगेन बेटा आप स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, क्यों कर रहे हैं बेटा ये, अगर स्केयरिंग करेंगे स्केयर से स्केयर रूट कट और यहाँ पे स्केयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे ये, ठीक है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्केयर से स्केयर रूट कट हो गया, ये 10 10 ज़ा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 8 8 ज़ा 64 वाई स्क्वायर 9 प्लस 6 वाई,
ओके, वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन, और ये आ जाएगा यहाँ पे 64 और माइनस 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई माइनस 27। ठीक है, आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, तो मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, इसके फैक्टर क्या होते हैं, 9 3 27, 9 माइनस 3 6, वाई स्क्वायर प्लस 9y-3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने कॉमन लिया, y आ गया कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया y प्लस 9-3y प्लस 9, तो बेटा y-3 हो गया y प्लस 9, y इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 9, इक्वेट किया 0 के इक्वल, तो y की वैल्यू 3 और माइनस 9 आ गए, ठीक है, हैंस y की 2 वैल्यूज आ गए, हैंस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3, और ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ठीक है, ये लिख लिया आपने, ओके बेटा। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपको अगेन यही बोला गया है, इफ़ क्यू इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इसमें क्यू इज, क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हैं कितने हैं, 0 और 1, क्यू इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम पी, पी के कोऑर्डिनेट हैं 5-3 एंड आर के हैं एक्स और -6। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड क्या करना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, और क्या करना है, दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले आप ये क्यू पॉइंट ले लो, ये 0 और 1 है, ए क्यू डिस्टेंस है आपके पास पी, 5-3 एंड आर एक्स माइनस 6, ठीक है, ये ले लिया आपने। तो चलिए अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा आपके पास, क्यू आर और क्यू पी, तो क्यू आर में क्या आ जाएगा, 5-0 का स्क्वायर प्लस -3-0 का स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6-1 का स्क्वायर, ठीक है। अगेन बेटा स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब आ गया 5 5 25, 3 3 9, ओके, तो ये ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया 5 25, ओके। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ 1 था, यस, यहाँ क्या था 1, तो क्या आ जाएगा 16, ठीक है बेटा। 25 इधर आके कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू रूट आ जाएगा इस पर, तो रूट से हमारे पास प्लस माइनस वैल्यू आती है, तो ये आ गया 4, इट मीन्स r की वैल्यू क्या होगी, x x के प्लेस पे 4 और 6 हो जाएगा, और दूसरी बार हमारे पास -4 और 6, ये आ जाएगी r की वैल्यू। तो आपको दोनों से ये डिस्टेंस निकालना है, आप लिखेंगे व्हेन r हमारे पास क्या है 4 और 6, और q, q की वैल्यू क्या है 0 और 1, एंड p की वैल्यू क्या है आपके पास 5 और -3, ठीक है। तो आपको क्यू आर एंड पी आर निकालना है जब आपके पास r ये है, तो निकालेंगे क्यू आर 0-4 का स्क्वायर प्लस 1-6 का स्क्वायर, 4 4 16, 5 5 25, ये आ गया 41। तो आपको दूसरा क्या है, पी आर
पी और आर, 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर, यह आ गया बेटा 1 + 9 - 81, यह आ गया 82। ठीक है, अब आप वैन आर आपके पास -4 और 6 है तो क्यू आर पी आर यही रहेंगे। ठीक है, क्यू आर यहाँ पे क्यू की वैल्यू भी लिख लो 0 1 एंड पी की वैल्यू 5 - 3। चलो निकालो क्यू आर, 0 - 4, 0 - 4 + 4 हो गया प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, तो यह आ गया 4 - 4 = 16 और 5 - 5 = 25, तो यह हो गया अगेन 41। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है पी आर, पी आर आप निकालेंगे, पी आर बेटा आपके पास आ गया यहाँ पे आर ये है पी वो, 5 - +4 हो गया प्लस -3 - 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 - 9 = 81, तो ये हो गया 2 - 8 = 16। ओके, तो बेटा यहाँ पे 9 - 9 = 81, 81 - 2 = 2, तो 9√2 ये आ गया आपके पास, क्यू आर पी आर आ गया आपके पास। ठीक है, दोनों बार आप दोनों टाइम में आप वैल्यू निकालेंगे। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन आपका 10th वाला, टेंथ वाले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। तो आपको गिवन में क्या है इस क्वेश्चन नंबर 10 में, वाई जो है क्या है पॉइंट, तो लेट कर लेते हैं पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम हमारे पास है 3, 6, तो वो पॉइंट ए ले लेते हैं एंड बी पॉइंट है आपके पास -3 और 4 ये पॉइंट। ठीक है, तो चलिए रिलेशन निकालना है बेटा इसका। ओके, तो ये आ गया हमारे पास पी पॉइंट और ये आ गया हमारे पास ए पॉइंट और ये आ गया हमारे पास बी पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आप पी ए निकालेंगे इक्वल टू पी बी, तो करिए इसको 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर, -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। तो करो बेटा यहाँ पे अगेन, पहले आप स्क्वायरिंग कर लो ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, आप करेंगे 3 - 3 = 9, आइडेंटिटी भी यूज हो रही है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, ये आ गई। चलो करो यहाँ पे 9 x² + 2 - 3 = 6। अब यहाँ पे माइनस का आएगा, -2ab आएगा ना, 6 + 6 = 36 वाई का स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे क्या आएगा -12y। ठीक है, और दूसरा ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेकंड, ये 3 - 3 = 9 + x² + 6x + 4 - 4 = 16 + y² - 8y। ठीक है, अब बेटा एक्स स्क्वायर इधर आके कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर आके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बचा यहाँ पे 9 और 36 कितना हुआ 45 -6x - 12y। यहाँ पे बचा हमारे पास 9 और 16 कितना हुआ 25 और प्लस 6x - 8y। ठीक है, ये आ गया। ओके बेटा, चलिए अब आप क्या करेंगे, यस, अब आपने यहाँ पे ये टर्म सारी इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे आ गया 0, ये आ गया 25 + 6x - 8y + 6x - + 12y
-45, ये वाली टर्म उधर जाके माइनस, ये वाली टर्म उधर जाके प्लस, ये वाली टर्म उधर जाके प्लस। तो बेटा इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 12x, और ये कितना आ गया 4y, और ये 25, और ये कितना आ गया 20। और होल टर्म को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस वाई प्लस 5। यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये माइनस माइनस है ना, ये तो माइनस माइनस 5 आएगा। ये ज़ीरो को इस साइड लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपकी ये रिलेशन बना, इसका एक्स वाई का जो रिलेशन देना था वो ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।